जब भोजन समाज पार्टी की बनेगी तो निश्चित रूप से उनका हिसाब किताब। क्या नाम है आपका? अशोक सिद्धार्थ। राजस्थान के विधानसभा चुनाव जहां एक तरफ काफी नजदीक है, वहीं इन विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कई अहम रणनीतियां बनाई जा रही हैं सभी राजनीतिक दलों की तरफ से। जहां एक तरफ कांग्रेस इस वक्त सत्ता में है और कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए, सत्ता से हराने के लिए देखा जाए तो एड़ी चोटी का बल लगाया जा रहा है, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बल्कि अन्य दलों की तरफ से, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी। रुक किया जाए बहुजन समाज पार्टी की तरफ, तो बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां बना रही है और ऐसे में लगातार चुनौती देती हुई भी नजर आ रही है विपक्षी दलों को, और अब बसपा की तरफ से राजस्थान सरकार को भी चुनौती दी गई है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि अब बसपा की तरफ से एक और बात रखी गई है, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जो बैठकें करती हुई नजर आ रही हैं इन दिनों लखनऊ में, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए वह रणनीतियां बना रही हैं। मायावती का कहना साफ तौर पर है कि लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, वह किसी भी दल के साथ जुड़ना नहीं चाहेंगी, गठबंधन नहीं करना चाहेंगी। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर बसपा की तरफ से, राजस्थान बसपा की तरफ से गहलोत सरकार पर निशाना साधा गया है। आखिरकार बसपा के कार्यकर्ताओं और नेता ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। समाज पार्टी ने जब जब राजस्थान सहित पूरे देश में दलित, शोषित, पिछड़े, अखिलेश समाज के लोगों पर अन्याय, अत्याचार हुआ है, बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व ने हमेशा अपनी स्टेट की टीम को भेज करके उनके परिवारजनों से मिलकर के उनकी समस्या को हल कर उनको न्याय दिलाने के लिए कोशिश की है। और रही बात राजस्थान की, राजस्थान में ये पहला ऐसी दुर्घटना नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 साल में सैकड़ों की संख्या में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। उन सब घटनाओं का हिसाब किताब सरकार जब बहुजन समाज पार्टी की बनेगी तो निश्चित रूप से उनका हिसाब किताब। क्या नाम है आपका? अशोक सिद्धार्थ। आपने सुना कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी डंके की चोट पर अपनी बात रखती हुई नजर आई है। मालूम हो कि बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में हैं। अब देखते हैं कि जब साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे तो आखिरकार बसपा यहां पर कितनी सीटों पर जीत हासिल करती हुई देखी जाएगी, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। और यहां पर देखा जाए सचिन पायलट हैं, अशोक गहलोत हैं जो मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, और पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती हुई देखी जाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में दिलचस्प होने वाला है कि राजस्थान की सियासत में आखिरकार जीत किसे मिलेगी, क्योंकि यहां पर परंपरा लागू होती हुई नजर आती है। 5 सालों में देखा जाए तो बीजेपी और अगले 5 सालों के बाद यहां पर कांग्रेस, जो रिवाज चलता हुआ नजर आता है, देखते हैं कि इस रिवाज को तोड़ते हुए कोई अन्य पार्टी नजर आती है या फिर यहां पर कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में रिपीट होगी, सचिन पायलट का वो दावा वाकई में रंग लाता है या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।